हेलो गाइस, आई एम एके गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एके लीगल। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अभी डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट होता क्या है? तो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट उसे कहते हैं जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही अब ये म्यूचुअली एग्री करते हैं कि अब दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए और उन्हें डिवोर्स लेना चाहिए। वो आपसी सहमति से अलग अलग रहना चाहते हैं, तो इसे कहते हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। मतलब दोनों की कंसेंट है, डिवोर्स ले सकते हैं शांति से। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट और म्यूचुअल डिवोर्स इज व्हेन बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअली एग्रीज दैट दे कैन नॉट लिव टुगेदर एनी मोर एंड दैट द बेस्ट सॉल्यूशन इज डिवोर्स। तो यही बात करता है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की, जो बेस्ट सोल्यूशन है वो डिवोर्स है। उनके आपस में नहीं बन रही है तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए। डिवोर्स एक अच्छा बेस्ट सोल्यूशन है। दे वुड प्रेजेंट ए म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन जॉइंटली। वो दोनों ही जॉइंटली पिटीशन को प्रेजेंट करेंगे बिफोर द होनरेबल कोर्ट विदाउट पुटिंग फोर्थ एनी एलिगेशन अगेंस्ट ईच अदर। तो एक दूसरे के अगेंस्ट कोई एलिगेशन नहीं लगाएंगे। तो क्या है, डिवोर्स ना दो तरीके से होते हैं। अब एक डिवोर्स तो वो होता है जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर एलिगेशन लगाता है, उन ग्राउंड्स पर एलिगेशन लगाता है जो डिवोर्स के ग्राउंड हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। तो वो सब प्रूफ करने पड़ते हैं, पूरी लिटिगेशन चलती है और एक प्रूफ करके ही डिवोर्स मिलता है। उसमें एक ही बंदा डिवोर्स चाहता है तो वो जो डिवोर्स चाहता है वही दूसरे पे एलिगेशन लगाता है, उसे प्रूफ करने पड़ते हैं कि इस ग्राउंड पे मुझे डिवोर्स चाहिए। और दूसरा है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट में कोई भी एक दूसरे पे एलिगेशन नहीं लगाता विदाउट पुटिंग फोर्थ एनी एलिगेशन अगेंस्ट इट, वो दोनों ही एग्री हो जाते हैं कि हाँ हमें डिवोर्स चाहिए, बस हमारी नहीं बन रही आपस में, एलिगेशन वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं होती और वो डिवोर्स हो जाता है। म्यूचुअल कंसेंट पर डिवोर्स ईजिली हो जाता है, जल्दी हो जाता है। वहीं जब लिटिगेशन चलती है उसमें एक लंबा प्रोसेस चलता है, क्योंकि आपके एविडेंस वगैरह सब होते हैं और आपको प्रूफ करनी पड़ती है चीज़ें, तो आपको प्रॉपर लिटिगेशन करनी पड़ती है। तो इस तरीके से डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ईजिली हो जाता है, जल्दी हो जाता है, दोनों ही कंसेंट से होता है। चलिए सेक्शन देखते हैं, कौन सा सेक्शन बात करता है। सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो इसका फर्स्ट क्लोज ये कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन दिस एक्ट ए पेटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाई ए डिग्री ऑफ डिवोर्स में प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाई बोथ द पार्टीज टू ए मैरिज टूगेदर वेदर सच मैरिज वॉज सोलमनाइज बिफोर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो यही कहता है कि दोनों पार्टी जो है मैरिज को डिसोल्यूशन कराने के लिए प्रेजेंट करती है पिटिशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, चाहे उनकी मैरिज मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 से पहले हुई हो या बाद में हुई हो। और ऑन द ग्राउंड दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, वो एक साल से अलग रह रहे हैं और मोर उससे ज़्यादा, दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर एंड दे हैव म्यूचुअली एग्रीड द मैरिज शुड बी डिसोल्व। तो ये जो क्लोज वन है ये बात करता है कि मैरिज को डिसोल्व कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या इसेंशियल हैं। तो इनके जो इसेंशियल दिए गए हैं, तीन इसेंशियल दिए गए हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के लिए ये तीन इसेंशियल जरूरी हैं। द स्पाउस शुड बी लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर फाइलिंग द पिटीशन। तो पिटीशन फाइल करने से पहले हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो एक साल से अलग अलग रहने चाहिए। अब एक साल से अलग अलग ये नहीं कि वो अलग अलग ही रह रहे हों एक ही छत के नीचे, एक छत के नीचे हो सकते हैं बट वो मैरिज परफॉर्म ना कर रहे हों, जो एक मैरिज परफॉर्म करने के लिए इसेंशियल हैं। अगर वो इस इंटेंट से भी अलग हैं कि हाँ भाई हम एक दूसरे के साथ वो एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे शादी को मैरिज को, तो वो अलग है, उससे भी अलग माना जाएगा। तो जो पिटीशन फाइल कर रहे हैं उससे एक साल पहले से वो सेपरेट रह रहे हों। और दूसरा इसेंशियल ये है इसका, पार्टीज हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते, एबल ही नहीं है साथ में रहने के लिए। और थर्ड है इसका, दे हैव म्यूचुअली एग्रीड दैट मैरिज शुड बी डिसोल्व, तो वो म्यूचुअली एग्री होने चाहिए शादी को ख़त्म करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट इसेंशियल यही है, अगर वो दोनों ही म्यूचुअली एग्री नहीं है शादी को डिसोल्व करने के लिए तो फिर वो इसमें आप डिवोर्स नहीं ले सकते, फिर आपको लिटिगेशन करनी पड़ेगी, आपको ग्राउंड प्रूफ करने पड़ेंगे। तो ये तीन इसेंशियल हैं जो सेक्शन 3B के डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के लिए हैं। अब इसका क्लोज 2 पढ़ते हैं, ऑन द मोशन ऑफ बोथ द पार्टीज मेड नोट अर्लियर देन 6 मंथ एंड आफ्टर द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन रेफर्ड इन द सबसेक्शन 1 एंड नोट लेटर देन 18 मंथ्स आफ्टर द सेट डेट। तो इसमें ना दो मोशन होते हैं, पहले आपको जब पिटीशन प्रेजेंट करते हैं एक मोशन वो,
और उसके बाद कोर्ट आपको 6 महीने का टाइम देता है कि आप 6 महीने वेट करिए, देखिए कि आप पता, आप 6 महीने में आपको पता लगे कि आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। तो उसके बाद सेकंड मोशन होगा, तब आपको डिवोर्स दे दिया जाएगा। तो जो आपकी सेकंड मोशन की जो पेटिशन है वो 6 महीने से पहले आप प्रेजेंट नहीं कर सकते और 18 मंथ के बाद नहीं कर सकते। तो मतलब कि जैसे ही आपने प्रेजेंट वो करी डिवोर्स के लिए, फर्स्ट मोशन करा, उसके 6 महीने बाद आपका सेकंड मोशन होगा, और उस 6 महीने से मतलब 1 साल और बढ़ा दिए, 12 महीने, यानी कि छः, यहाँ से लगा के 6 महीने और 18 महीने, यानी कि इस 1 साल के बीच में आपको पेटिशन फाइल करनी है। आप कभी भी कर सकते हैं इसके बीच में। तो वो होगा आपका सेकंड मोशन। और सेकंड मोशन के बाद इफ द पेटिशन इज नॉट विड्रॉ, और इन मीन टाइम अगर इस बीच पेटिशन विड्रॉ नहीं की गई, तो मतलब कि उन्होंने पेटिशन विड्रॉ नहीं की और वो दूसरा मोशन डाल रहे हैं, द कोर्ट शैल ऑन बीइंग सेटिस्फाइड आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, जो कोर्ट है वो पार्टी को हियरिंग करेगा, एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, वो अपनी इंक्वायरी करेगा और हियरिंग, प्रॉपर हियरिंग होगी, जो भी उसे पूछना है पूछेगा कोर्ट आपसे, एज इफ द थिंग्स फिट दैट द मैरिज हैज बीन सोलेमनाइज्ड एंड दैट द एवरमेंट इन द पेटिशन आर ट्रू, कोर्ट को लगता है कि आपने जो पेटिशन में लिखा है वो पूरी तरह से ट्रू है, और वो पास कर देगा डिग्री ऑफ डिवोर्स डिक्लेयरिंग द मैरिज टू बी डिसोल्व विद द इफेक्ट ऑफ द डेट ऑफ द डिग्री। तो ये बात करता है सेक्शन 13B। आपको इसके लिए तीन इसेंशियल जरूरी हैं। तीन इसेंशियल ये हैं कि जो आप 1 साल से अलग रहने चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ, और पार्टीज वो साथ रहने के लायक नहीं है, और तीसरा वो म्यूचुअली एग्री है डिवोर्स के लिए। तो आपके लिए आप पेटिशन डाल सकते हैं, और पेटिशन फर्स्ट मोशन जो होगा, आप फर्स्ट जब पेटिशन डालेंगे वो होगा उसके 6 मंथ बाद आपको दूसरा मोशन कराना है, और सेकंड जो उसके बीच 6 मंथ से लेके 18 मंथ से, 18 मंथ से पहले, 18 मंथ के बाद आपकी पेटिशन एंटरटेन नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या 6 मंथ का जो पीरियड है वो मैंडेटरी है? तो नहीं दोस्तों, ये मैंडेटरी नहीं है। आप इससे पहले भी पेटिशन फाइल करा सकते हैं, मतलब आप अपना जो टाइम पीरियड है वो वेव ऑफ कर सकते हैं कुछ सर्कमस्टांसिस में। आपको कोर्ट को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा कि इन इन रीजन की वजह से हम वेव ऑफ कर सकते हैं, हम रह ही नहीं सकते, एबल ही नहीं है देने के लिए। जैसे कि आप 1 साल की जगह आप 18 मंथ से अलग रह रहे हो, तो आप ये रीजन भी दे सकते हैं कि हमें ऑलरेडी 18 मंथ हो चुके हैं अलग रहते हुए। आपको कोर्ट को सेटिस्फाई कराना होगा, और आप ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने कोर्ट को सेटिस्फाई करा दिया तो आप अपना ये जो सेकंड मोशन का टाइम पीरियड है उसे वेव ऑफ भी करा सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट समझ में आ चुका होगा पूरी तरीके से। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।